हेलो एवरीवन आज हम बी एल आई ई टू टू सिक्स मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ब्लॉक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट थ्री चेंज मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं पहला हमारा टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल वर्सेज इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट थर्ड फोर्सेस ऑफ चेंज जिसमें हमें टू टाइप्स के पढ़ने हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ चेंज नेक्स्ट चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस नेक्स्ट स्ट्रेटजीज फॉर चेंज मैनेजमेंट नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस टू चेंज नेक्स्ट आता है रीजन फॉर एम्प्लॉइज रेजिस्टेंस टू चेंज नेक्स्ट टॉपिक आता है सिक्स अप्रोचेस टू डील विथ रेजिस्टेंस टू चेंज नीड ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज लास्ट टॉपिक हमारा आता है स्टेप्स टू बी फॉलोड वाइल इंप्लीमेंटिंग चेंजेस इन लाइब्रेरीज सो ये कुछ टॉपिक्स uh, है जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस वीडियो पे न्यू है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है चेंज इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं चेंज इज डिफाइंड एज चेंज को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है टू मेक और बिकम डिफरेंट गिव और बिगिन टू है डिफरेंट फॉर्म चेंज को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि कुछ अलग क्रिएट करना या कुछ डिफरेंट बनाना ठीक है या कुछ अलग देना या हम कह सकते हैं कुछ अलग बना, अलग रूप में शुरुआत करना ठीक है एक न्यू डिफरेंट फॉर्म देना ओके okay? उसे हम चेंज कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट चेंज ऑल्सो मीन्स डिससेटिस्फेक्शन विद द ओल्ड एंड बिलीव इन द न्यू इस पॉइंट का मतलब यह है कि चेंज का मतलब आप ओल्ड के साथ डिससेटिस्फाई हो डिसटिस्फेक्शन हो और आप न्यू में बिलीव करते हो ठीक है लाइब्रेरी केस में देख ले की पहले आपका ट्रेडिशनल तरीका चलता था अब आपको जैसे जैसे हमारा एन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ठीक है एडवांसमेंट हो रही है डेवलपमेंट हो रहा है तो आपको न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी अडोप्ट करनी पड़ेगी कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा ठीक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज मैनेजमेंट अभी क्या होता है उसको डिटेल में देखते हैं चेंज मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच इन द डीलिंग विद द चेंज बोथ फ्रॉम द ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑन द इंडिविजुअल लेवल चेंज मैनेजमेंट एक तरीके से एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें बदलाव किया जाता है कुछ आ, कह सकते हैं दोनों ही प्रस्पेक्टिव पे ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल के साथ साथ इंडिविजुअल लेवल पे कुछ चेंजेस करना एक मैनेजमेंट के अंदर उसे हम चेंज मैनेजमेंट कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट चेंज मैनेजमेंट मीन्स टू प्लान इनिशिएट रिलीज कंट्रोल एंड देन फाइनली स्टेबलाइज द चेंज प्रोसेस ऑन बोथ कॉर्पोरेट एंड पर्सनल लेवल चेंज मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि प्लान करना ठीक है कुछ योजना बनाना इनिशिएट करना मतलब हम कह सकते हैं पहल करना किसी चीज का ठीक है रिलीज करना कंट्रोल करना उस चीज को नियंत्रण करना हम एक तरीके से और फाइनली हम स्टेबलाइज़ करें उसको स्थिर करें हम कह सकते हैं उस चेंज प्रोसेस को कॉरपोरेट और पर्सनल लेवल दोनों पर ओके चेंज मैनेजमेंट को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो चेंज मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एक डायनेमिक चेंज होते रहना चाहिए ठीक है कुछ ना कुछ चेंजेस हो, होते रहना चाहिए एक उसके ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात करूं चाहे उसके प्रोसेस की बात करूं कोई टेक्नोलॉजी की बात करूं तो किसी ना किसी चीज में उसमें चेंज होना चाहिए अगर वो स्टेबलाइज रहेगा मतलब एक स्टेबल रहेगा एक ही ट्रेडिशन को फॉलो करता रहेगा ठीक है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो एक कंपनी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजमेंट के अंदर हमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए उसी को हम चेंज मैनेजमेंट कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट चेंज मैनेजमेंट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम टू परस्पेक्टिव पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट सेकेंड इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये होता क्या है उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे ध्यान से नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशनल वर्सेस इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो एक एक करके पॉइंट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट का पहला पॉइंट इट इज रिलेटेड विद द मैनेजर और टॉप लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये किससे रिलेटेड होता है मैनेजर से या तो हम कह सकते हैं टॉप लीडर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर से रिलेटेड होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट ठीक है अगर मैं इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट की बात करूं तो इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है इट इज रिलेटेड एम्प्लॉय हु इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट जो होता है वो रिलेटेड होता है एम्प्लॉय किससे रिलेटेड होते हैं बॉटम लेवल से रिलेटेड होते हैं ठीक है ठीके? इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल का इट इज रिलेटेड टू वन टू मैनी ये किससे रिलेटेड होता है वन टू मैनी इसको आ, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं वन मैनेजर डीलिंग विद द होल ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली जो एक मैनेजर होता है वो काफी सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉज से या लोगों से इंटरेक्ट करता है डील करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसलिए हम कह सकते हैं वन टू मैनी ठीक है अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं इट इज रिलेटेड टू वन ऑन वन ठीक है ये वन ऑन वन होता है इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं Each individual is given emphasis because they are the one who bring the change. इसमें हर एक व्यक्ति पर जोर दिया जाता है क्योंकि हर एक व्यक्ति जो होता है ना वो परिवर्तन लेकर आते हैं ठीक है हर एक पर्सन पे फोकस किया जाता है इम्फेसाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड पॉइंट देखते हैं इट फोकसेस ऑन चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड स्किल्स एज वेल एज स्ट्रेटेजी प्लान एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट जो होता है ना वो फोकस करता है चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे उसके स्किल्स पे स्ट्रेटजीज पे प्लान्स पे और ट्रेनिंग प्रोग्राम पे ठीक है अगर मैं इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट की बात करूं द फोकस फॉर इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट इज ऑन द टूल्स एंड टेक्निक टू एनरिच एम्प्लॉयज थ्रो द ट्रांसेशन इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट के अंदर हम किस पे फोकस करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स पे फोकस करते हैं ठीक है ठीके? हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फोर्सेस ऑफ चेंजेस सबसे पहले समझते हैं कि फोर्सेस ऑफ चेंजेस होता क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो चेंजेस करते हैं वो उसके बेटरमेंट के लिए होता है ठीक है चाहे हम उसकी ऑर्गेनाइजेशनल uh, गोल्स में थोड़ा सा चेंज करें ठीक है या हम उसके एडवांसमेंट uh, मतलब उसकी टेक्नोलॉजीज में हम चेंज करें कुछ भी चेंजेस हो सकता है ठीक है तो चेंजेस हमारे दो तरीके के हो सकते हैं इंटरनल लेवल पे भी हो सकता है और एक्सटर्नल लेवल पे भी हो सकता है ठीक है तो वही मैंने आपको फ्लो चार्ट में समझाने की कोशिश करी है कि हमारे फोर्सेज ऑफ चेंज हमारे टू टाइप्स के होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज एंड इंटरनल फोर्सेज अब हम ये देखेंगे कि एक्सटर्नल होता क्या है एक्सटर्नल फोर्सेज फॉर द चेंज ऑरिजिनेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट माइट अ ग्लोबल इफेक्ट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल फोर्सेज दैट आर बियॉन्ड बियॉन्ड द मैनेजमेंट कंट्रोल एक्सटर्नल फोर्सेज सचेज डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक फैक्टर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मार्केट चेंजेस एंड सोशो पोलिटिकल प्रेशर्स आर अफेक्टिंग द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंजेस होते हैं अगर वो ऑरिजिनेट हो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो ठीक है उसे हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं इसमें ग्लोबल इफेक्ट भी हो सकता है ठीक है इसको हम इन्वायरमेंटल फोर्सेस भी कह सकते हैं और ये जो मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है इसीलिए हम इसे इन्वायरमेंटल फोर्सेस कहते हैं ठीक है एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर जैसे डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स आता है डेमोग्राफिक करेक्टिस्टिक्स का मतलब होता है एक स्टेटिस्टिकल डाटा मतलब कि किस एज के पर्सन है उसके अंदर ठीक है अगर कोई पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है तो अगर वो कपड़े की दुकान है तो किस एज के लोगों के लिए है ठीक है या उसका जेंडर क्या है मेल के लिए कपड़े रख रहा है कि फीमेल के लिए रख रहा है ठीक है उनकी इनकम मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े हैं या सब बजट वाले लोगों के लिए है ठीक है मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये भी मायने रखता है इकोनॉमिक फैक्टर्स मायने रखता है ठीक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मायने रखता है कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है ठीक है तो उसको भी देखना जरूरी है मार्केट चेंजेस मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए हैं या सोशल पॉलिटिकल प्रेशर क्या है तो ये सारे चीज है जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है ठीक है तो ऐसे चेंजेस को हम एक्सटर्नल फोर्सेज के अंदर रखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनल फोर्सेस अब ये क्या होता है इसको डिटेल में देखते हैं दीज फोर्स

ठीक है इसके अंदर जो फोर्सेस आते कहां से ह्यूमन प्रॉब्लम से आते हैं एक तरीके से मैनेजर बिहेवियर से से आते है, से आते हैं हैं डिसीजन जर्नली देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो होती है वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होती है कि कैसे एम्प्लॉयज को उनको ट्रीट कैसे किया जाता है उनके वर्क प्लेस पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट और उसके एम्प्लॉयज के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगा ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी बढ़ नहीं पाएगी ठीक है तो Uh, हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉज को उन उनको पे उन पर भी ध्यान देना चाहिए उनको कैसे मोटिवेट करें ठीक है उनकी uh, uh, उनकी बात सुने ठीक है तो ये चीज़ भी फैक्टर uh, मैटर करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ चेंजेस अभी क्या होता है कितने टाइप्स के होते हैं उसको डिटेल में देखते हैं द मेन टाइप्स ऑफ चेंजेस आर एस फॉलोज हमारे uh, कुछ uh, नीचे आपको दे रखे हैं डिफरेंट टाइप के और मेन आपको दे रखे हैं चेंजेस जिसमें से हमारा पहला आता है डेवलपमेंटल चेंज इसके अंदर क्या होता है आ, किसी भी चेंज को सुधारा जाता है एनहेंस किया जाता है जो पहले एग्जिस्टिंग एस्पेक्ट होती है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको रेक्टिफाई किया या तो एनहेंस किया ठीक है बेसिकली इसमें क्या होता है कोई भी मेथड है या कोई परफॉर्मेंस है या कोई प्रोसेस है ठीक है उसको इम्प्रूव किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस टाइप के चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि एक कंपटीशन में रहने के लिए मार्केट में रहने के लिए ठीक है और इसमें जो न्यू टेक्निक इस्तेमाल करी गई है तो उसको एम्प्लॉय को सिखाया जाता है ठीक है ट्रेन किया जाता है ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको अडॉप्ट कैसे करें हमारा नेक्स्ट टाइप आता है ट्रांसेशनल चेंज ट्रांसेशनल चेंज मतलब एक तरीके से कोई भी प्रोसीजर या हम कह सकते हैं प्रोसेस को पुराने वाले से एकदम कम्प्लीटली न्यू को चेंज किया जाए ठीक है ऐसा पीरियड जहां पर ओल्ड वाले को न्यू वाले से चेंज किया जाता है जिस पीरियड में उसको हम ट्रांसिसनल फेज कहते हैं और ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है इम्प्लीमेंट करना ठीक है क्योंकि डेवलपमेंटल में तो आप इम्प्रूव कर रहे हो बट पूरा ही कंप्लीट चेंज करने में बहुत ज्यादा एक तरीके से मुश्किल है हमारा नेक्स्ट चेंज आता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज एक को हम रेडिकल फंडामेंटल एंड क्वांटम चेंज भी कहते हैं इसके अंदर ये ट्रांसिशन पीरियड के बाद आता है इसके अंदर डेवलपमेंटल और ट्रांसिशनल चेंज दोनों ही शामिल होते हैं इन्वॉल्व होते हैं ठीक है थीके? ये जो चेंजेस होते हैं ना इसके अंदर पूरा होल पार्ट या तो लार्जर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का शामिल होता है ठीक है इसके अंदर चेंजेस रिलेटेड किससे होते हैं इसके शेप से या तो साइज उसका चेंज होगा या उसका स्ट्रक्चर या इसका प्रोसेस कल्चर स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन का ये चेंज हो सकता है चेंज होने में इसमें बहुत टाइम लगता है और साथ ही साथ उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन और उसकी मेंबर है ना उसकी धारणाओं में मतलब उसको चेंजेस आने में जरूरी है ठीक है बदलाव में जरूरी है हमारा नेक्स्ट टाइप आता है इंक्रीमेंटल चेंज इंक्रीमेंटल चेंज।, चेंज के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक छोटा सा यूनिट कोई भी यूनिट या सब यूनिट या कोई एक पार्ट आता है ठीक है ये एक तरीके से जस्ट अपोजिट होता है इन ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के अंदर ये बहुत होता है नेचर अगर बात करें उसके नेचर कैसा होता है अडेप्टिव मतलब इसको अपनाया जा सकता है ठीक है ये भी कहा जाता है कि अगर इंक्रीमेंटल चेंजेस अगर फेल होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम नुकसान होगा ठीक है अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशनल की बात करूं अगर वो एडेप्टिव uh, नहीं हो पाया ठीक है तो बहुत लॉस होने के चांसेस हैं बट इंक्रीमेंटल में क्या होता है कम चांसेस रहेंगे बिकॉज क्योंकि एक छोटा सा पार्ट ही है जहां पर वो अप्लाई किया जाता है या कोई यूनिट है उसमें अप्लाई किया जा रहा है इसलिए लेस हार्म के बहुत चा, कम चांसेस होते हैं ओके okay. हमारा नेक्स्ट चेंज आता है प्लान चेंज इसके अंदर क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट uh, को या किसी भी चीज को सोच के समझ के प्लानिंग के साथ उसको आ, किया जाता है अप्लाई किया जाता है उसे हम प्लान चेंज कहते हैं जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ठीक है ये तब होता है जब मैनेजर रिकॉग्नाइज करता है कि कब हमें जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग प्लान करता है कि किस तरीके से हमें चेंजेस करना चाहिए ठीक है ये इसका नेचर जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है अगर कोई मैनेजर सोच रहा है प्लान चेंज के बारे में तो जो भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उससे उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए हर एक पर्सन से ठीक है कि वो सही है या नहीं है सजेशंस uh, ले बात करे तो वो जरूरी होता है प्लान चेंज के अंदर हमारा नेक्स्ट टाइप आता है अनप्लान चेंज अनप्लान चेंज के अंदर मतलब कोई सडन सरप्राइज या सडनली कुछ चेंजेस किए जाते हैं उसे हम अनप्लान चेंज कहते हैं इसको हम इमरजेंट uh, या रीएक्टिव चेंज भी कहते हैं इस ये किस वजह से होता है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या इंटरनल फैक्टर की वजह से कुछ चेंजेस हो, होते हैं ठीक है आ, अगर वो कंट्रोल के मैनेजमेंट के कंट्रोल में है या नहीं है उसके वजह से प्लान में चेंज किया जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के कुछ स्टेप्स दे रखे हैं आप इस स्टेप में लिखेंगे एग्जाम टाइम पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप फ्लो चार्ट पे बना सकते हैं साथ ही साथ आप पहला पॉइंट लिखेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे हमारा पहला स्टेप आता है एस एस नीड फॉर चेंज इस फेज के अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाता है और साथ ही साथ राय ली जाती है कि क्यों चेंज करना है ठीक है चेंजेस क्यों जरूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है या नेक्स्ट फेज कह सकते हैं कि पर्पज फॉर चेंज है इसमें इस, इस स्टेज के अंदर जो कौन से फ्यूचर में किस तरीके के चेंजेस होने चाहिए हम क्या अप्लाई करेंगे वो देखा जाता है उस चीज का डिसीजन लिया जाता है और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि किस तरीके की हमारी प्रॉब्लम आ सकती है प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे कि हम अगर इसको अप्लाई करेंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है इसको ध्यान दिया जाता है ठीक है साथ ही साथ एक टीम डेवलप की जाती है इस चीज को उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और साथ ही साथ एक लीडर को अपॉइंट किया जाता है कि वो लोगों को गाइड करे कि इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें स्ट्रेटजीज को भी फाइनलाइज किया जाता है कि हम कैसे किस टाइप की इसको का इस्तेमाल करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्लान फॉर चेंज उस चेंज को अप्लाई करने के लिए प्रॉपर प्लान बनाया जाता है इस स्टेप के अंदर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंट द चेंज इसके अंदर इस फेज के अंदर एक्चुअली चेंज होते हैं ठीक है थीके? इसमें इस फेज इस के अंदर डिफरेंट टाइप के वराइटी ऑफ थिंग्स देखे जाते हैं जैसे मीटिंग होगी इम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाएगी ठीक है साथ ही साथ उनके फीडबैक लिए जाते हैं कि ये चेंजेस इम्प्लीमेंट मतलब सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे ठीक है उनके फीडबैक लिए जाते हैं और उ, उ, उसकी कंपैरिजन में फीडबैक लेने के बाद आ, अपने एक्शन में जो प्लान हमने करा है उसको एक्शन में करेक्ट करा जा सके ठीक है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि उसको ठीक कर सकते हैं हम लास्ट हमारा आता है सस्टेनिंग द चेंज इसको हम कमिटमेंट uh, फेज भी कहते हैं इसमें ये मदद करता है कि कैसे uh, हम सस्टेन करेगा सपोर्ट को चेंजेस के मतलब कि कैसे हेल्पफुल रहेगा उसमें समझने में मदद करता है ठीक है फिर लास्ट में रिजल्ट uh, आता है हम कह सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रेटेजीज फॉर चेंज मैनेजमेंट ये हमारे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं जो हम एक एक करके आ, इसके डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं पहला हमारा आता है डायरेक्टिव स्ट्रेटेजी अब ये क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैनेजर की अथॉरिटी एंड पावर का इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली एक तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट इसका इस्तेमाल करती है इसमें बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता है इसका एडवांटेज ये है कि जल्दी से हम डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि बाकी लोगों का लेस नंबर ऑफ पीपल का कम इन्वॉल्वमेंट होता है ठीक है कह सकते हैं कि उनका ओपिनियन ही नहीं लिया जाता जो इनसे इफेक्ट उनके ऊपर जिनके ऊपर इफेक्ट होगा ठीक है जो इनके अंदर इन्वॉल्व है तो ये इनका डिसएडवांटेज है हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी इस अप्रोच के अंदर चेंजेस को इस तरीके से देखा जाता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की तरीके से देखा जाता है और एक एक्सपोर्ट की मदद ली जाती है उसको सॉल्व करने के लिए इस अप्रोच के अंदर थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट शामिल होता है उन लोगों का जो कि इस चेंजेस से अफेक्ट करेंगे ठीक है इस चेंजेस में अफेक्ट करेंगे ठीक है इसका मेन एडवांटेजेस ये होता है कि वो एक्सपर्ट की आ, मदद लेते हैं ठीक है, जिससे जल्दी से और सही तरीके से उस चेंज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटजी आता है नेगोशिएटिव स्ट्रैटेजी इस स्ट्रेटजी के अंदर टॉप लेवल मैनेजर्स डिस्कस करते हैं अपने डिफरेंट इश्यूज उन लोगों से जिन पर वो चेंजेस अफेक्ट करेंगे इसके अंदर इस अप्रोच के अंदर नेगोशिएटिंग किया जाता है बार्गेनिंग किया जाता है टॉप लेवल मैनेजर पार्ट एक पार्ट के टॉप लेवल मैनेज मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंट करने के लिए कि उसे चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि ये सही रहेगा नहीं रहेगा ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है इसके अंदर चेंजेस को डिस्कस किया जाता है उसके मेथड को डिस्कस किया जाता है फिर जब लोग सारे लोग सहमत हो जाते हैं फिर उसके बाद उसे अप्लाई किया जाएगा ठीक है उसी चीज को अडोप्ट किया जाएगा जो की सब लोग एग्री होंगे इसमें इसका मेन एडवांटेज ये कह सकते हैं कि सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है जिन पर उनका असर होगा उस चेंज का असर होगा सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होगा सपोर्ट होगा सभी लोग मिलकर करेंगे ये इसका मेन अच्छा एक एडवांटेज है अगर मैं डिसेज की बात करूं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ठीक है और ऐसा भी हो सकता है कि आ, आ, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए ठीक है जैसा हमने सोचा हो मैनेजर ने सोचा हो उसके एक्सपेक्टेशन हो वैसा हो ना ठीक है बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे